में ऐसे हजारों न्यूज चैनल होंगे जिसमें मैं भोजपुरी के बारे में कुछ बोला नहीं, पवन सिंह को मनीष कश्यप ने रेल दिया, ऐसा थंबनेल लगाया जाए, मनीष कश्यप को पवन सिंह ने रेल दिया। वीडियो सुनते हैं तो ना हम है ना पवन सिंह है उसमें। भगवान ने 50,000 के जगह पे 10,00,000 से ऊपर पैसा भेजते हैं मेरे खाते में, तो भगवान के वजह से मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे बहुत भरोसा। अरे सौभाग्य है मेरा कि मेरा पब्लिसिटी हो जा रहा, भगवान करे आपका भी हो जाए, भगवान करे आपका भी हो जाए। आप जाके देखिए यूट्यूब पे भोजपुरी न्यूज में ऐसे हजारों न्यूज चैनल होंगे जिसमें मैं भोजपुरी के बारे में कुछ बोला नहीं, पवन सिंह को मनीष कश्यप ने रेल दिया, ऐसा थंबनेल लगाया जाए, मनीष कश्यप को पवन सिंह ने रेल दिया। वीडियो सुनते हैं तो ना हम है ना पवन सिंह है उसमें। खेसारी लाल यादव के बारे में देखिए मनीष कश्यप ने क्या कहा, वो हालांकि दो दिन पहले हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा है, मैच फिक्स करके हम लोगों ने कहा, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 सितंबर को एक वीडियो आया था उनका, बहुत अच्छा वीडियो आया था, तो उसमें लगा देता है सब, ये देखिए मनीष का सपने क्या कहा, ये चीज है। और जबकि उस वीडियो में मैं रहता ही नहीं, वो वीडियो का व्यू देखता हूँ 17,00,000, 18,00,000, 20,00,000। हाँ वो मेरा भाई है, पिछले जन्म का वो मेरा भाई है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं यूपी के भी है जो लगातार विरोध कर रहे हैं, करो भाई विरोध, लेकिन याद रखना अश्लील विरोध नहीं होना चाहिए। कमर के नीचे वार करोगे तो दिक्कत है, लॉजिकली विरोध करो, हमें कोई मतलब नहीं। पैसा का कमी था इसलिए आपके नाम से नहीं, भगवान देखिए हाथों के लकीरों में जिसको जिस हिसाब से भगवान ने बना दिया, मैं भगवान पे भरोसा करने वाला आदमी हूँ। मैं आज पहली बार ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पहली बार, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के बीच में बोला था। क्या मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, मेरा भाई अगर कोई नाराज है मेरे खिलाफ कितना भी बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, ये चीज है। मैं आज से एक साल पहले, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आज से एक साल पहले मैं सोच रहा था कि मेरे खाते में अगर YouTube Facebook से 50,000 रुपया आ जाएगा, एक साल से सवा साल पहले 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम कर पाऊंगा। और आज भगवान ने 50,000 के जगह पे 10,00,000 से ऊपर पैसा भेजते हैं मेरे खाते में, तो भगवान के वजह से मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे बहुत भरोसा है। अरे 1 करोड़ रुपया कौन बता दिया ससुरा, 1 करोड़ बता दिया, अब बताइए, अब वो आए ना मेरे, उसमें मनहानी का केस करना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं करेंगे। हम तो सुने 70,00,000 कमा, आप बताइए ना, आप लोग अपना अपना चैनल का खोज के देखिए, उस जो साइटवा है ना वो 70 गुना ज्यादा बताता है, आप लोग खोल के, आप लोग अपना भी खोल के चेक कर सकते हैं, देखिएगा आप लोग उसको चीज को दिखाइए, वो बता दिया भाई, खुश रहो भाई, तुम्हारा 8 मिलियन गया, 8 मिलियन का मतलब हुआ कि 5,000 × 8, 8×5=40,000 रुपया तुम्हारे खाते में चल गया, वो 40 दे दोगे तो मेरा 1 करोड़ हो जाएगा, मेरे नाम पे वीडियो बनाए ना, 1 करोड़ तक पहुंचा दिया, वो 40,000 कम है मेरा, 8-9 मिलियन गया है वो वीडियो का व्यू, देख सकते हैं। लेकिन हमें आपसे भी कोई सिखवा गिला नहीं, आप भी हमको गरीब को किस प्रकार से मदद कर रहे हैं आप, इस इनको जिस प्रकार से कही, मतलब एक ही आदमी, एक ही आदमी को क्यों मदद किया जाए, आपसे उम्मीद लगा क्या है ना, मतलब एक ही आदमी का मदद क्यों किया जाए, सवाल तो ये बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है, जिसने टैटू बनवा लिया उसका मदद किया जाए और जिसने नहीं बनवाया नहीं किया जाए, क्या किया जाए, आप लोग सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि जितने भी भाई लोग हैं सभी पत्रकार हैं और सभी लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग मैं सरफराज का भी मदद करता हूँ, और आज IGIMS में मैं जब खड़ा था तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, IGIMS में जब खड़ा था तो मेरे पास कोई नहीं आया, एक मुस्लिम भाई आया जो मेरा मदद कर रहा था IGIMS में, ये फोटो देख लीजिए लोग, ये देख लीजिए, ये भाई आया, इससे आज से पहले मैं नहीं मिला, इससे अब इसको खोल देते हैं, ये फोल्ड फोन है, किसी को बवासीर हो जाए तो हम नहीं चाहते, बड़ी महंगा फोन है। देखिए जंदाहा में रेप हुआ था, रेपिस्ट हिंदू थे, मैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाया, झारखंड में रेप हुआ था, रेपिस्ट मुस्लिम थे, उनके खिलाफ भी आवाज उठाया, क्या दिक्कत है, बलात्कारी का कोई धर्म होता है? और उसमें जो है कुछ लोग जो है आज जो है बेगूसराय में जो इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहा उसके लिए भी आवाज उठा, तो ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, हाँ, कि अब आप जहाँ मदद करके आते हैं वहाँ खुलासा हो जाए, तो क्या खुलासा के डर से मदद करना छोड़ रहे हैं? नहीं,
मर्द के रूप में मेरे माँ पिता ने मुझे मर्द पैदा किया है, और हम यहाँ चेक कर सकते हैं, हमारा लिंक चेक करा सकते हैं, हम मेल है। अरे हुआ ना, अरे क्या पता, सुनिए ना, क्या पता इनके मामा जी आईएएस अधिकारी हो सकता है, क्या पता इनके मौसा जी जो है थाना प्रभारी हो सकता है कि नहीं। मेरे मामा जी शराब केस में फंस गए, उस पे भी यार ये कोई तुक है, हम करेंगे खुलासा, मनीष कश्यप के मामा गए जेल। वो तो चमकने के लिए सब कर रहा है, इनका मदद होनी चाहिए कि नहीं भैया, इनका तो मदद होना, पूछ लीजिए एक बार, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग बताइए कि इनका मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, सबको साथ में आपका, इनका मदद होना चाहिए ना, तो इनका मदद किया जाए, आपके साथ में हम लोग, इनका मदद होना चाहिए भैया। हाँ तो बिल्कुल इनका मदद किया जाए, और सभी लोग जो है, हम इनको पैसा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको मन करेगा तो हम दे देंगे, हम अपने मर्जी से, ये चीज है। और विनती है आप सभी लोगों से कि बस अगर भगवान पे भरोसा है तो दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान है, आप मेरा ना टांग खींच सकते हैं, जिस दिन भगवान आपका खींचेंगे उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे। भैया ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि इसी में से कोई एक आदमी हो सकता है कि खुलासा करने लगे, क्या अरे करने दीजिए, खुलासा करने से क्या हो सकता है भैया, अरे खुलासा करेगा लोग तभी ना, खुलासा करेगा लोग तभी ना, ये मेरा पैसा, मैं इनकम टैक्स भर के जो है गढ़ा में डाल दूं पैसा, मेरी मर्जी, ये चीज है। एक समस्तीपुर का सिंगर आया, उसको हम लोग जो है कल परसों हम भी दिए, वो भी क्या करें, हमारा चेक कर लीजिए। और एक चीज और, आज से एक साल पहले जो हम माफी चाहते हैं, अगर कोई पत्रकार मदद करता होगा फाइनेंशियल रूप से तो हम माफी चाह लेते हैं पहले, लेकिन आज से एक साल पहले डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार बिहार में नहीं थे, 1% नहीं थे, आप लोग मानते हैं कि नहीं, आज डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार हैं, योगदान किसका सबसे बड़ा है वो मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो बोल दूंगा तो बोलेगा लोग कि मनीष कश्यप ने देखिए क्या कहा, ये चीज है। तो आज आज कम से कम मोदी जी जिन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, 10 लोगों को रोजगार मिला ना हम लोगों के वजह से, मिला ना, बात खत्म। और इनका हम मदद करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग इनकी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुंचाएंगे, उम्मीद है, 5 बजे लगता है, उम्मीद है, उम्मीद गए थे, दो दिन सो के आए उनके गेट पे, गए थे, क्या क्या बोल रहे हैं तेजस्वी के, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, इधर माइक है, बोलिए तेजस्वी के यहाँ ये गए थे, बैठ के दो दिन तेजस्वी के यहाँ ये गए थे, 2 दिन सो करके बारिश में भीग के आए, प्रशासन इनको मिलने नहीं दिया, फिर ये हमको फोन किया, फिर ये मेरे पास से आया। अब उन लोगों को पता नहीं है, ये आदमी अगर तेजस्वी यादव जी से मिल लिया और तेजस्वी यादव जी इनका काम कर दिया तो तेजस्वी यादव जी का 2% वोट बढ़ जाएगा, लेकिन जो गेट पे खड़ा आदमी है उसको पता नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण, बारिश में भीग के सोया था 2 दिन वहाँ पे, इस आदमी का मदद होने के वजह से जो है ना जाने कितने लोगों का मदद हो जाएगा, सही है कि नहीं है। और इनका ये डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने SP आवास से चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिया है, फिर भी हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे, इनका डॉक्यूमेंट्स है, 17 कट्ठा जमीन जो है, कौन चेक लिया है आपका, रामचंद्र है वो, आपका कौन लगता है, बाबा लगता है। जो अपने भाई का नहीं होता है, एक एक धूर के लिए हम लोग बिहार में भाई का कत्ल कर देते हैं, वही जाति के नाम पे हर 5 साल पे वोट दे देते हैं, सही है कि नहीं, यही रहा तो इनका इनका सारा आपके यहाँ नहीं, जैसे कि रात क्या हुआ कि रात में इनके यहाँ कल नहीं, ये बताएंगे, सही सही बताएंगे, बताइए जोर से बोलेगा। कल मैं घर गया था ना, कल घर गया, कपड़ा लेने गया था, कुछ पैसा पड़ी खर्चा वर्चा के लिए, गए थे ना तो वहाँ से चले आए मुखिया मेरे घर जाकर रात बजे, उसके बाद मुखिया दो आदमी के, दो लड़का मुखिया के भगीना, एक उसका लड़का सामान लेके सब, मेरा जिस घर में सोते हैं, मेरा पत्नी वाला घर में घुस गया, बोला तेरा घर वाला कहाँ है, मेरा पत्नी बोला मेरा घर वाला नहीं है, पटना चला गया, मुखिया बोला मैं रिंग करो 2 लाख रुपया देते हैं, और उसको किस रफा दफा करेगा, इस आगे बात को आगे नहीं फैलाएगा, हमसे हमको इंदिरावास के 3000 घुस मांगता था, इंदिरावास का डीलर 2000 रुपया मांगता था, डीलर 2000 रुपया। और हाँ एक और कमाल का चीज देखिए, इनकी पत्नी विकलांग है और इनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाया है लोग 30%, इनका जो है 50% बन सकता था, 2000 रुपया घूस मांगा लोग नहीं घूस दिए तो 30% डाल दिया, 40 पे पेंशन मिल जाता है,
जरा सोचिए, और एक आंख से क्या हुआ है? देखिए ना सर, इसमें नहीं लगता है कुछ नहीं, एक आंख से पूरा नहीं लगता है। तो बिहार में जितने भी एक आंख से नहीं, जिनको जिनको नहीं दिखता है एक आंख से, उन सबका 30% विकलांगता होना चाहिए। इनका 30% 2000 रुपया दे दिया जाए तो 60%, ऐसा क्यों? और कौन से अस्पताल में हुआ था? शिवहर सदर अस्पताल में। जरा सोचिए, राक्षस बैठे हैं अस्पतालों में। विनती है आप लोगों से कि ऐसा मत कीजिए और इनका मदद करने का प्रयास कीजिए। हम लोग चलेंगे सभी लोग शिवहर और इनकी समस्याओं को भी दिखाएंगे। सभी लोगों में से जितने लोग जा सकते हैं जाएंगे और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे और मदद करेंगे। आप लोगों से विनती है कि इनका आवाज़ जो है तेजस्वी यादव जी तक पहुंचा दे। देख सकते हैं इन्होंने तेजस्वी यादव जी का टैटू बनवाया है, देख सकते हैं। उम्मीद है इनको तेजस्वी यादव जी से, उम्मीद है, ये चीज़ है, तो देख सकते हैं आप लोग। मुखिया धमकी भी दे रहा है, करा कि आगे बढ़ा है तुमको 2 महीने में कंधे में गोली मार देंगे। मुखिया जी धमकी दे रहे हैं और रामचंद्र भी धमकी दे रहा है। तो शिवहर के SP साहब से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का अब रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। और मुझे पता है कि अगर आप तक ये बात पहुँच जाएगा तो इस आदमी को इंसाफ मिल जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी बात मुझे पता है। इस जमीन पे मेरा केवाला भी वो हुआ हुआ है, केवाला दाखिल खारिज हमको हो गया हुआ है। मेरा बाबा पापा जी को, नाना को, मामा को, सबको डकैती केस में डालकर रामचंद्र है उसी जब बिकरा दिया। मेरे घर को प्रशासन पूरा सामान लूट के ले गया, पूरा सब बाइक छिया कर दिया, सब सामान को ले गया। मैं तो उसी लिए मैं SP के पास नहीं गया। अब बताइए डकैती केस है इन पे, मेरे पिताजी पर डकैती केस करके बताइए। तो इनके यहाँ जाएंगे लोग, हम लोग जाँच करेंगे और इनका मदद करने वाला होगा तो हम लोग पूरा मदद करेंगे। जय हिंद।